नहीं, तो वो जो याद है आज भी हमको दिन याद है। और मम्मी बड़ी दुख से बड़ी गुजरली है बेटा, समझ ल एक ठो बेटा हल बड़ी तपस्या कैली है बेटा, बहुत मैंने अपने हिस्से का दर्रा हम खिलाती थी। और जो जानवर जो दर्रा खाते हैं ना मकई का, वो दर्रा मैं खाता था और वो दर्रा भी नहीं जुटता था हमको। ऐसे स्टार हैं जो कि गमछी में पैसा लेकर घूम रहे हैं, थोड़ा सा दिखाइए, ये देखिए पैसा है, संतोष रेणु यादव जी पैसा गमछी में लेकर घूम रहे हैं। भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है, और मैं आ गया हूँ संतोष रेणु यादव जी के घर पे फाइनली। और संतोष रेणु यादव जी के घर में देखिए काम चल रहा है, और इसको घर ना कहें, घर तो इनका बगल में है लेकिन ये शायद रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, एकदम मेन फ्रंट रोड पे है। और आइए इनसे कुछ जानना चाहेंगे, किनका घर बन रहा है भाई साहब? संतोष रेणु के बन रहा है। आप क्या करते हैं इसमें? मिस्त्री कर रहे हैं। मिस्त्री का काम कर रहे हैं, क्या बन रहा है इसमें? ये हाउडी बन रहा है, होटल बन रहा होटल है। के मतलब आप कौन है? मिस्त्री हैं। मिस्त्री हैं, किनका घर बन रहा है? संतोष रेणु के। संतोष रेणु जी के लिए, और मैंने कि रेस्टोरेंट खुल रहा है। हाँ, इसमें खुल रहा है। कैमरा मैन चाहूँगा कि थोड़ा सा इस बाउंड्री को दिखाया जाए, अभी नया अभी तैयार हो रहा है, अभी तो स्ट्रक्चर ही तैयार हो रहा है। और देखिए यहाँ पे संतोष रेणु यादव जी मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कैमरा मैन से कि थोड़ा धीरे धीरे आएँ और दिखाएँ। ये देखिए संतोष रेणु यादव जी का घर बन रहा है। सर, सबसे पहले आपको तबाही न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, तबाही न्यूज़ तबाही मचाते रहिए, और तबाही न्यूज़ भोजपुरी को देखने वाले जितने भी हमारे भगवान रूपी श्रोता समाज हैं उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नहीं, अभी मैं लौट रहा था गया से, तो जाते समय आपका देखा कि रोड पे आपका गाड़ी लगा हुआ है और बिल्डिंग तैयार हो रहा है, क्या है मतलब कि? टेंशन नहीं लीजिए, अगली बार गया से जब आप लौटेंगे तो चाय यहाँ तैयार रहेगा। अच्छा, चाय दुकान खोल रहे हैं सिर्फ? नहीं नहीं, चाय कॉफ़ी तैयार रहेगा, चूँकि सुनते हैं कि चाय मैंने बनाने वाले प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो हम सोचे कि चलिए भाई चाय की दुकान हम भी खोल देते हैं, कोनो अहिर प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठ जाए। अच्छा अच्छा, बड़ा इच्छा रहता है कोई प्रधानमंत्री कुर्सी पर अहिर भी बैठे। तो मतलब ये किस जगह पर स्थित है, मतलब कि कौन सा जगह? ये देखिए, कैमरामैन जी को बोलिए उधर दिखाने के, थोड़ा सा रोड पर फोकस करें क्योंकि मेन रोड है, मेन हाईवे है, गया टू जहानाबाद और पटना नदौल होते हुए सभी तरह चालू रोड है, और यही मेन जीटी रोड है। और सर ये बताइए कि मतलब जो घर बन रहे हैं, जो रेस्टोरेंट आप बना रहे हैं, सुनने में आ रहा है आपके मिस्त्री से हमारी बात हो रही थी, तो मतलब कि किसके लिए बना रहे हैं ये? जैसे देखिए, मम्मी पापा को बोलते थे कि चलिए रहिए पटना में, चाहे बॉम्बे चाहे दिल्ली, जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ रहिए। अब इन लोगों का कहना था कि ना यहाँ पे हमारा मान लीजिए कि जन्म कर्म हुआ है, तो जन्म कर्म हुआ है तो हमको तो पहले तो बनाने का प्लानिंग नहीं था, लेकिन अब जब ये लोग नहीं माने तो मान लीजिए कि माँ बाप हैं तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो सब लोग को देख रहे हैं, कोई लोग फॉर्चूनर ले रहे हैं, कोई लोग स्कॉर्पियो ले रहे हैं। अच्छा। तो हम कह के चलिए भाई लिट्टी भंटा का दुकान चाय के खुल जाए। तो इसमें जैसे एक रेस्टोरेंट बनेगा एक फ्लोर पर, और एक फ्लोर पे जिम खुलेगा, और एक फ्लोर पे छोटा मोटा मॉल बनाएंगे। तो आप मतलब कि आप फिल्मों में और गाने में काम नहीं करेंगे क्या? नहीं नहीं, गाना ये तो मम्मी पापा के लिए है ना। अच्छा, मम्मी पापा के लिए आप गिफ्ट कर रहे हैं? यहाँ पे मम्मी पापा अपना आवेंगे तो देख करके खुश रहें अपना कि हाँ भाई अपना जो है सब सारा चीज़, बाकी तो मैनेजर वगैरह काम करते रहेंगे और भी स्टाफ जो होंगे वो। मैं चाहूँगा कि थोड़ा इधर भी दिखाया जाए, उधर भी कुछ काम लगा हुआ है, और देखिए मैं मतलब कि मोटर शायद लग रहा है कि गल रहा है, मिस्त्री लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आइए थोड़ा इनसे बातें करते हैं। क्या बन रहा है मिस्त्री जी? टर्नटेबल बन रहा है सर जी। आए टर्नटेबल? टर्नटेबल जी। किसका बन रहा है ये बिल्डिंग? रामाशीष जी के। रामाशीष जी कौन है? उनके संतोष जी के पिताजी। संतोष जी के पिताजी हुए। अच्छा अच्छा, तो इसमें होटल खुलने वाला है जी? मतलब कब तक तैयार होगा मोटर बनकर? मोटर कल तैयार हो जाएगा सर जी। कल तैयार हो जाएगा जी। अच्छा, तो मिस्त्री यहाँ के सभी लोग हैं जी? मैं चाहूँगा कि थोड़ा इसमें सभी मिस्त्री को दिखाएं और टोटल नक्शा दिखाएं बिल्डिंग का, और टोटल स्ट्रक्चर दिखाते रहें। देखिए किस तरह से बहुत बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, और अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और अभी तैयार ही हो रहा है, और ईंटा वगैरह सब गिरा हुआ है। जहानाबाद और पटना मेन हाईवे पर बन रहा है। अब आइए कुछ इनसे फिर बात करते हैं, संतोष रेणु यादव जी से। देखिए शायद उनके बॉडीगार्ड भी साथ में मौजूद हैं। क्या बन रहा है ये मॉल? बन रहा है मॉल और जिम खुलेगा इसमें। मॉल जिम किनका खुल रहा है?
संतोष जी का। संतोष जी का, अच्छा आप कौन हैं, उनके साथ रहते हैं? जी गार्ड हैं बॉम्ब सर। अच्छा उनका गार्ड है। चलो सर ये बताइए कि घर मतलब कि ये बिल्डिंग मतलब कि कब तक तैयार होगा? अप्रोक्स हम लोग से प्लानिंग किए हुए हैं कि रेस्टोरेंट कम से कम दुर्गा पूजा में इसका ओपनिंग हो जाए, और इसके ओपनिंग में आप लोग को इनविटेशन मिलेगा ही, इंडस्ट्री को भी इनविटेशन मिलेगा। और ये देखिए ये गया और पटना, यहाँ से गया पटना का ठीक ये सेंटर है, नदौल स्टेशन है। अभी देखिए उस तरफ ट्रेन रुकी हुई है और इस तरफ, और यहाँ पे स्टेशन भी मतलब कि कौन सा स्टेशन है? ये नदौल स्टेशन है। अच्छा, नदौल रेलवे स्टेशन है और ये 6 लेन है और इसी पे ये है सब सारा चीज़। तो वही कोशिश है कि चलिए कम से कम, और इसमें एक सबसे बड़ी जो चीज़ होगी जो मैंने जो जैसे पिताजी से मैंने सलाह लिया और भी जैसे अपने परिवार में मम्मी से सलाह लिया, पत्नी से सलाह लिया, बेटा से सलाह लिया और जो टीम के लोग हैं उनसे मैंने सलाह लिया कि मेरे जो भी जैसे रेस्टोरेंट में जो भी कस्टमर आएंगे पहले 5 कस्टमर को फ्री खाना खिलाया जाएगा। पहले 5 कस्टमर जो दिन का जो पहला 5 कस्टमर होंगे उनको फ्री का खाना खिलाया जाएगा। और फ्री का खाना बोले तो यहाँ की स्पेशल थाली जो होगी हमारे मॉल की वो फ्री खिलाई जाएगी। हाँ तो मतलब, और ये गमछी मतलब कि एकदम खाटी अंदाज में आप हैरान क्या है इसमें? कैमरा मैन से चाहूंगा कि थोड़ा सा इस चीज को दिखाया जाए, क्या है इसमें वो दिखाइए। इसमें एक्चुअली पैसा है, आप बताइए, आप लोग यहू दिखवा दीजिएगा। पैसा है? पैसा गमछी में रखते हैं क्या? ताहिर ना है ताहिर पर्स में नहीं रखता है क्या पैसा? हमारा पर्स उस समझ में आता है। नजदीक आइए कैमरा को लेकर, मैं चाहूंगा कि देखिए संतोष रनु यादव जी पैसा लेकर घूम रहे हैं गमछी में, और मतलब कि इंडस्ट्री के पहली ऐसी ऐसे स्टार हैं जो कि गमछी में पैसा लेकर घूम रहे हैं। थोड़ा सा दिखाइए, ये देखिए पैसा है, संतोष रनु यादव जी पैसा गमछी में लेकर घूम रहे हैं और काफी मतलब आकर्षक लग रहा है देखने में। तो गमछी में पैसा क्यों लेकर घूम रहे हैं? देखिए गमछी जो है, चूंकि हम मजदूर किसान के बाल बच्चा हैं, यही जमीन पर मेरे पिताजी दारू बेचते थे और हम चना बेचते थे। अच्छा, तो हमको तो वो दिन याद है ना, तो मजदूर किसान के बाल बच्चा हैं, गमछी से बड़ा गहरा रिश्ता है। जब सत्तू जब खाने का मन हुआ तो दादाजी गमछी में सत्तू लपेट करके एक सान लेते थे, तो वो सब जो दिन है। और गमछी भले आज फुल पैंट शर्ट जींस आ गया लेकिन गमछी का कोई तोड़ है क्या? और देखिए मिस्त्री जी एकदम हाफ पैंट पर एकदम घूम रहे हैं एकदम नौजवान की तरह। बहुत गर्मी है, है? बहुत गर्मी पड़ रहा है ना। गर्मी है कि संतोष जी का पैसा वाला गर्मी? जी ना जी ना, वो पैसा हम लोग को मिलेगा धसाई। अच्छा मिलेगा जी। अच्छा कल बनाने का, मोटर गलाने का? मोटर गलाने का। तो मतलब कि कैसा आदमी है संतोष रनु जी? बढ़िया आदमी है सर जी। बढ़िया आदमी है ना जी? बहुत लोग कहते हैं खराब आदमी। ना ना ना, मैंने खराब नहीं, खराब नहीं है, मैंने डर से बोल रहा कि सही बोल रहे हैं। ना ना डर से काले बोले भी सर, यहाँ कोई है। मैं चाहूँगा एक बार फिर से, ये लोग गार्जियन हैं, ये लोग जितने भी हैं ये लोग मेरे गार्जियन हैं। जैसे वर्क, जैसे मान लीजिए सब लोग का अपना अपना वर्क है, मेरा काम है गाना नाचना, लोगों के दुख सुख में शामिल रहना, इनका काम है बोरिंग का, उनका काम है मान लीजिए कि ये राजमिस्त्री का। तो सब लोग अपने अपने ड्यूटी में है, अपने अपने प्रोफेशन में है, लेकिन मेरे लिए सभी लोग गार्जियन हैं। जैसे और ये रियल में गार्जियन है, उधर गार्जियन है, जितने भी हमसे उम्र में जो बड़े हैं सभी गार्जियन हैं मेरे लिए। और मैं कैमरामैन चाहूँगा कि थोड़ा सा इस मसाले को दिखाया जाए और मिस्त्री को दिखाया जाए, ताकि जिस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है लगातार लग रहा है कि बहुत जल्द रेडी हो जाएगा। कब तक रेडी हो जाएगा मिस्त्री? दुर्गा पूजा में ओपनिंग है इसका, इसी दशहरा में, मतलब कि बहुत जल्दी मतलब हो जाएगा, 1-2 महीना समय है। हो जाएगा लगातार, मतलब तबड़तोड़ काम चल रहा है। तबड़तोड़ चल ही रहा है। और मतलब कि कितना पहले काम लगा है, कितना दिन से काम लगा हुआ है? अभी 5 दिन से लगा हुआ है। हाँ 5 दिन में इतना तैयार हो गया है? फिलिन पहले किया हुआ था, फिलिन के बाद से काम हो रहा है। आइए कुछ जानने का प्रयास मैं करूँगा फिर से, एक बार फिर से संतोष रनु यादव जी के साथ में, क्योंकि इनका आगे का प्लान क्या है, आगे क्या बनाने वाले हैं, आगे क्या करने वाले हैं। सर तो आगे मतलब क्या है, आपका क्या प्लान है? यहाँ तैयार होगा, इसके बाद में फिर बख्तियारपुर 4 लेन पे भी ज़मीन खरीदे हैं, तो वहाँ भी रेस्टोरेंट और जैसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बनाने का प्लानिंग है। उसके बाद में एक बनारस में मेरा ज़मीन है,
तो बनारस में भी जैसे है कि वहाँ भी तैयार किया, तो जैसे ऐसे आएगा वैसे वैसे सब कुछ। और ये देखिए मेरे लिए मेरे भगवान, सबसे पहले जो भगवान मेरे लिए हैं यही हैं, और ये मेरे पिताजी हैं। अच्छा, देखिए संतोष रमण यादव जी के पिताजी हैं, आपको नमस्कार चाचा जी। ये मेरे पिताजी हैं और यही दारू बेच बेच करके हमको यहाँ तक पहुँचाए हैं। दारू बेचने का एक्चुअली जो सिलसिला शुरू हुआ था, क्योंकि मैं दो भाई था और सन 1999 की बात है कि मेरे भाई को ब्लड कैंसर हो गया था, और ब्लड कैंसर से मेरे भाई का डेथ हुआ था। उसमें करीब करीब 2.25-2.3 लाख रुपया खर्च किया गया था। तो 1997 में अगर 2.25-2.3 लाख खर्च हो, तो मतलब आज का 50-60 लाख रुपया। तो हम लोग बिल्कुल रोड पे आ गए थे आर्थिक रूप से, लेकिन मानसिक रूप से हम लोग हमेशा मजबूत थे। पिताजी का आशीर्वाद, इनकी प्रेरणा, इनका दिशा निर्देश हमेशा हमको मिलता था। हम यहाँ तक कि पिताजी इसी में दारू बेचते थे और हम चना बेचते थे, वो ज़िंदगी सब कुछ। लेकिन बस यही चीज़ कि आप जीवन में ना, जीवन में कभी हार मत मानिए। आर्थिक रूप से विकट समय आ सकता है। मैं एक बार फिर से चाहूँगा, लगता है कि संतोष रमण यादव जी के माता जी भी आ चुकी हैं शायद इस ज़मीन पर, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा इन्हें भी दिखा दिया जाए, ताकि अपने माता पिता के लिए बहुत अच्छे घर बना रहे हैं। माता जी आपको नमस्कार है हमारे चैनल में। हाँ। तो क्या संतोष रमण यादव जी बना रहे हैं आपके लिए? घर बना रहे हैं। घर बना रहे हैं कि होटल रेस्टोरेंट बन रहा है? होटले बनते आओ से आओ, ज्यादा बढ़ सका है होटलों से। साथ में आ जाइए, अपने पहले मम्मी को प्रणाम कर दीजिए। हम देखिए अपने माता को आशीर्वाद ले रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं संतोष रमण यादव जी। फुला रोजी रोजगार पढ़ती साथ में भैर इनके, मतलब कि माता जी हैं साथ में, तो माता जी कितना खुशी हो रहा है। जैसे तबाही जी, मैंने वो दिन भी देखा है जब जो पिताजी जो दारू बेचने लगे थे, मैं जब चना बेचने लगा था, लोगों को मैं बोलता हूँ तो लगता है कि बनावटी बातें बोल रहा हूँ। मेरे यहाँ खाने को कुछ नहीं था। जो जानवर जो दर्रा खाते हैं ना मकई का, वो दर्रा मैं खाता था, और वो दर्रा भी नहीं जुटता था हमको। तो मम्मी अपने हिस्सा का दर्रा हमको खिलाती थी, अपने हिस्सा का जो दर्रा होता था हमको खिलाती थी मम्मी। देखिए काफ़ी संतोष रमण जी के माता जी भावुक हो गए हैं, देखिए वीडियो को देखा जाए। नहीं तो वो जो याद है आज भी हमको दिन याद है, और मम्मी बड़ी दुख से बड़ी गुजरली है बेटा, समझ ला। एक ठो बेटा हल बड़ी तपस्या कैली है बेटा, बहुत मैंने अपने हिस्से का दर्रा हमको खिलाती थी। और